नमस्कार स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने व्यवस्थापिका के बारे में पढ़ा, व्यवस्थापिका के संगठन के बारे में पढ़ा। इसमें मैंने बताया कि व्यवस्थापिका के मोटे रूप में व्यवस्थापिका को दो भागों में बांटा जाता है, एक सदनात्मक व्यवस्थापिका और द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। जिस राज्य में व्यवस्थापिका केवल एक ही सदन होता है उसे एक सदनात्मक व्यवस्थापिका कहते हैं, और जहाँ व्यवस्थापिका के दो सदन होते हैं उसे द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दुनिया के वर्तमान में दुनिया के अधिकांश देशों में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है, अर्थात व्यवस्थापिका के दो सदन हैं। चाहे हम भारत का एग्जांपल ले लें, अमेरिका का ले लें, इंग्लैंड का ले लें, ऑस्ट्रेलिया का ले लें, कनाडा या जापान का ले लें, तो आजकल वर्तमान में दो द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका ही अधिक पाई जाती है। उसके बाद हमने द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के पक्ष में तर्क दिए और ये बताया कि द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका क्यों आवश्यक है, जिसमें हमने बताया था कि जैसे कई बार जो कानून या विधेयक है उनके ऊपर पूर्ण विचार के लिए ये अत्यंत आवश्यक है, और इसमें विशिष्ट हितों और वर्गों को प्रतिनिधित्व मिल जाता है, और जो संघ की इकाइयाँ हैं उनको प्रतिनिधित्व मिल जाता है, और जो बुद्धिमान व्यक्ति या कई ऐसे विद्वान व्यक्ति होते हैं जिन्हें प्रथम सदन में मौका नहीं मिल पाता, तो ऐसे व्यक्तियों को भी द्वितीय सदन में मौका मिल जाता है। तो इस प्रकार हमने द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के पक्ष में अनेक महत्वपूर्ण तर्क दिए। लेकिन अनेक ऐसे विद्वान हैं, उनका ये मानना है कि द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका इतनी आवश्यक नहीं है और एक सदन ही काफ़ी है। तो ऐसे जो विद्वान या आलोचक हैं उन्होंने द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के विपक्ष में अनेक तर्क प्रस्तुत किए हैं, जिनके बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो पहला जो उन्होंने तर्क दिया, उन्होंने कहा कि जो दूसरा सदन है वह अनावश्यक है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो पहला सदन है उसमें जो सांसद हैं वो इतने इंटेलिजेंट होते हैं, समझदार होते हैं, कि वो जो भी कोई कानून का या निर्माण करते हैं या किसी विधेयक का निर्माण करते हैं तो वो बहुत उसके ऊपर वाद विवाद और बहस के बाद उसका वो पास करते हैं, तो ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि उसमें उन लोगों की गलती करने की संभावना बहुत कम है, तो ऐसा कोई दूसरे सदन की आवश्यकता नहीं है और एक सदन ही पर्याप्त है किसी भी विधेयक को पास करने के लिए, उस पर विचार विमर्श करने के लिए, बहस करने के लिए। और तो ऐसे लोग विचारकों का मानना है कि इसलिए किसी भी दूसरे ऐसे सदन की आवश्यकता नहीं है, तृतीय सदन अनावश्यक है। दूसरा जो इसके विपक्ष में तर्क है वह है कि द्वितीय सदन से गतिरोध की संभावना बढ़ती है। ऐसे विचारकों का मानना है कि जब ये दो सदन होते हैं तो इनमें आपस में गतिरोध बहुत होता है, ये हर विधेयक के ऊपर इनमें गतिरोध पैदा होता है, और चूँकि जो प्रथम सदन के जो व्यक्ति होते हैं वो युवा पीढ़ी के लोग हो सकते हैं, तो वो थोड़े प्रगतिशील विचारों के होते हैं, और जो तृतीय सदन में उनमें देखा गया है कि जो थोड़े पुराने अनुभवी या रूढ़िवादी व्यक्ति होते हैं तो उनके विचार आपस में मिलते नहीं हैं, तो इस वजह से दोनों सदनों में कई बार गतिरोध की संभावना होती है, जिससे कानून निर्माण में बहुत अधिक देरी हो जाती है। तो इस पर इसलिए भी जो आलोचक हैं या जो विचारक हैं उनका ये मानना है कि दो सदनों की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दो सदन होंगे तो गतिरोध ज़्यादा होगा, काम कम होगा। तीसरी जो इसके विपक्ष में तर्क है वो एक विलंबकारी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये दो सदन होने से कार्य विलंब होता है, जो निर्णय जल्दी लिए जा सकते हैं, जो कानून जल्दी बनाए जा सकते हैं, ऐसे कानून बनाने में बहुत समय लग जाता है, इन पे पहले एक सदन में इतना लंबी चर्चा होने के बाद, बहस होने के बाद, फिर जब वो विधेयक दूसरे सदन में जाता है तो वहाँ पे फिर से पुनः उस पर विचार होता है, और काफ़ी समय लगता है, वो इतना जो कीमती समय है वो बर्बाद होता है, तो वो बहुत विलंब हो जाता है। तो इसलिए भी जो कई विचारक ये मानते हैं कि द्वितीय सदन की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वह है कि ये जो द्वितीय सदन होता है ये अत्यधिक खर्चीला होता है।
तो ये भी उनका एक बहुत ही मजबूत इनका तर्क है कि जो द्वितीय सदन है उसकी वजह से बहुत अनावश्यक खर्चा बढ़ जाता है, उनमें जो विधायक हैं या सांसद हैं उनके इतने ज़्यादा खर्चे होते हैं, उनका इतना भत्ता होता है, इतना वहाँ पे खर्चा होता है, तो ये खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। ये इस खर्चे का बोझ है वो जनता पे पड़ता है, जिसकी वजह से टैक्स उनमें बढ़ता है। तो ये इनका एक बहुत महत्वपूर्ण इनका तर्क है कि द्वितीय सदन से जिनके पहले उन्होंने इनको पहले भी इसको अनावश्यक कहा है, और उसके इसका जो दूसरा ये जो महत्वपूर्ण तर्क है कि ये बहुत ज़्यादा खर्चीला हो जाता है, उनके इतने ज़्यादा खर्च बढ़ जाते हैं तो इसका कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट है कि संघात्मक शासन के लिए भी कोई आवश्यक नहीं है। इन विचारकों का ये मानना है कि संघात्मक शासन के लिए भी द्वितीय सदन कोई आवश्यक नहीं है। कुछ इकाइयां हैं वो अपने जो मत है वो वैसे भी रख सकती है, उसके लिए द्वितीय सदन की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। लास्ट इनका जो तर्क है वो है कि विवेकपूर्ण पूर्ण विचार का जो तर्क है जो कि इन्होंने दिया था उसके पक्ष में, उसका भी ये कहते हैं कि नहीं, कुछ ऐसा तर्क कोई इतना महत्वपूर्ण नहीं है, पहला सदन में ही आराम से पूरा विचार विमर्श हो जाता है। तो इस प्रकार आलोचकों का कहना है कि द्वितीय सदन की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है।